दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे कुकिंग क्लासी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल मसाला मैगी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगी और एकदम खिली खिली। और आप एक बार बना के इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये मसाला मैगी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलो चलते हैं मसाला मैगी बनाने। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर रखा पैन। अब यहाँ पे आप ले लेते हो ऑयल, तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑयल को ले लिया है, ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर डाल ले लीजिए मैंने एक प्याज, से मैंने बारीक चॉप किया है, ऐड कर देती हूँ इसको। प्याज को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी दो हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च को यहाँ पर स्किप कर सकते हो। प्याज को हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है, ज़्यादा भी नहीं भूनना है, लेकिन हल्की सी प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए जब तक भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज को हमें हल्का सा पकाया है। उसके बाद हमने यहाँ पर और भी सब्जियाँ ली हैं, तो सबसे पहले मैं डालूँगी एक टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, उसका डालूँगी एक शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई मीडियम साइज़ की। यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी बीन्स, यहाँ लिए मैंने थोड़ी सी गाजर बारीक चॉप की हुई। ये दोनों चीज़ फ्रोजन की हुई हैं, फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हो। अगर आपके पास मटर हो तो आप मटर भी डाल सकते हो, मटर थोड़ा हम कम पसंद करते हैं मैगी में, तो मैंने इसलिए नहीं डाली है। सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। अब इसमें डालूँगी कुछ मसाले, तो इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, यहीं पे 1/4 चम्मच इसमें डालूंगी नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और ये सब मसाले डाल के हम इसे अच्छे से पकाएंगे सब्जियों को थोड़ी देर के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए। मैं इसी तरह से सब्जियों को अच्छे से पका लेती हूँ। सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जियों को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पकाया है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें पानी, तो हमें इतना पानी डालना है कि दो मैगी पक जाए। तो करीब हमें 3 कप के करीब छोटा वाला पानी डालना है, और इसे ढक के इसमें एक अच्छे से उबाल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 2 पैकेट, क्योंकि हम यहाँ पर 2 मैगी बना रहे हैं, मतलब छोटे वाले जो पैकेट आते हैं 2 पैकेट बना रही हूँ, जो 14 रुपये के आते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिलाया है मसाले को। उसके बाद मैं यहाँ पे मैगी के दोनों पैकेट को इस तरह तोड़ के ऐड कर देती हूँ इसमें। हल्का सा तोड़ लिया है मैंने उसे, और इसे रख के अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पे। ढक देती हूँ, थोड़ी देर बाद चेक करेंगे 2 से 2.5 मिनट बाद। तो यहाँ पर 2 से 2.5 मिनट हो गए, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैगी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ, इस तरह से खोल देती हूँ, जिससे एकदम खिली खिली सी हमारी मैगी अच्छे से बन के तैयार हो और ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। तो आप इस तरह से ना एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मैं यहाँ से फिर से ढक देती हूँ एक बार। 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम खिली खिली सी हमारी जो मैगी है एकदम बन के रेडी हो गई है। कितनी यूनिक लग रही है देखने में भी, खाने में उसी तरह से टेस्टी भी बहुत लगेगी। तो चलते हैं इसको सर्व करने। इसमें पहले से पहले धनिया पत्ता डाल देते हैं, अगर आपको मैगी में पसंद है ज़रूर डालें। मेरे को मैगी में धनिया पत्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो यहाँ पर हम स्किप करेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो बस चलते हैं इसको सर्व करने। तो यहाँ ले लिए मैंने सर्विंग प्लेट, मैं इस पर सर्व कर लेती हूँ मैगी को, और एकदम खिली खिली सी हमारी यहाँ पर ये मैगी जो है बनके रेडी हुई है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप मेरे तरीके से एक बार ये वेजिटेबल मसाला मैगी बना के ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।